नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है सिस्ट मींस गठान, इसे कई लोग रसोली भी कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सिस्ट क्या होते हैं, ये किन कारणों से हमको हो जाते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और यह कितने तरह के होते हैं और इनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम आसान शब्दों में बताऊं तो स्किन की अंदर की लेयर में एक पॉकेट नुमा या थैली नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें की पतला या गाढ़ा लिक्विड भरा हुआ होता है। इसमें कभी कभी पस या गेस भी भरा हुआ हो सकता है। ये हमारे शरीर में कई प्रकार से मिलते हैं और ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं और कॉमनली ये बिनाइन ही होते हैं, मीन्स ये कैंसरस नहीं होते हैं। यदि अब मैं इनके कारणों की बात करूं तो इसमें नंबर वन कारण आता है किसी चोट के कारण, किसी ट्रामा के कारण भी पेशेंट को सिस्ट हो जाता है, या शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो गया है तो भी सिस्ट हो सकता है, या कहीं किसी शरीर के किसी हिस्से में पियर्सिंग करवाई है या छेद करवाए हैं तो उसके भी आफ्टर इफेक्ट के कारण सिस्ट हो सकता है। और इसका एक और रीजन देखा गया है कि जब सेबेशियस ग्लैंड किसी कारण से क्लॉग्ड हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं तो वहां भी सिस्ट फॉर्म हो जाता है। अब मैं यहाँ इसकी पैथोलॉजी की बात करूं, मींस यह हमारे शरीर में कैसे फॉर्म हो जाती है। तो होता क्या है, स्किन की अंदर की लेयर में म्यूकस मेम्ब्रेन आपस में जुड़कर सैक जैसी या थैली जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है जहां लिक्विड भरा हुआ होता है, और यदि यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए तो वो पस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिससे पेशेंट को एक उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देता है जिसको हम सिस्ट कहते हैं। ज्यादातर सिस्ट के केस में कोई पेन या कोई सिम्टम या कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि इस सिस्ट में इन्फेक्शन हो जाए, पस बन जाए तो पेशेंट को पेन हो सकता है, सूजन हो सकता है, दर्द हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में सिस्ट कितने तरह के हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैं महिलाओं में होने वाले दो सिस्ट के बारे में बात करूंगी। पहला सिस्ट है ओवेरियन सिस्ट, ये महिलाओं के ओवरी के अंदर या उसके सरफेस पे हो सकता है। वैसे तो ये 1 से 2 महीने 3 महीने में अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन यदि डिसॉल्व नहीं होता है तो केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। नंबर टू है महिलाओं में होने वाले सिस्ट ब्रेस्ट में हो जाते हैं, जो लंप के फॉर्म में दिखते हैं और ये 35 से 50 साल की उम्र की महिलाओं में हो सकते हैं, और मेनोपॉज होने के बाद ये लंप या सिस्ट अपने आप डिसॉल्व भी हो जाते हैं। इसमें नंबर तीन पर है पाइलोनाइडल सिस्ट, ये हमारे शरीर की टेलबोन के आसपास हो जाता है। इस सिस्ट के अंदर मेनली डेड टिश्यूज, डेड स्किन टिश्यूज और हेयर पार्टिकल्स होते हैं। यह जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है, इसलिए इसमें पेन भी बहुत ज्यादा होता है। और इसी सीरीज में आगे है चैलिजियन सिस्ट, यह हमारी आंखों की पलकों में हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, हमारी आंखों की पलकों में टियर ग्लैंड होती हैं जो कुछ ऑयल सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं जिससे हमारी आंखों में नमी बनी रहती है। यदि यह ग्लैंड किसी कारण से क्लॉग्ड हो जाए, बंद हो जाए तो वहां पर सिस्ट फॉर्म हो जाता है, इसे हम अपना चैलिजियन सिस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट है पॉपलिटल सिस्ट या बेकर सिस्ट, यह हमारे शरीर के घुटने के पीछे वाले हिस्से मींस पॉपलिटल फोसा में हो जाता है। और इसके होने का कारण क्या होता है कि कोई टेंडन या कार्टिलेज रप्चर हो जाए या बॉडी में आर्थराइटिस की कंडीशन बन जाए। इसी के आगे यदि हम आगे बढ़ते हैं तो म्यूकस सिस्ट हमारे मुंह और हमारे लिप्स के अंदर वाले हिस्से में हो जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि यदि मुंह में किसी कारण से चोट लग जाए तो सलाइवरी ग्लैंड रप्चर हो जाती है या बंद हो जाती है, इसके कारण वहां पर सिस्ट फॉर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट है गैंग्लियोनिक सिस्ट, यह हमारे शरीर की कलाई के जोड़ पे या लिगामेंट पे हो जाता है, कभी कभी पैरों में भी हो जाता है या एक लंप जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है। ये नॉर्मली बेनाइन ही होता है, कैंसरस नहीं होता है। जब यह छोटा होता है तो कोई तकलीफ नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, कलाई की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। और एक चीज और होती है, जब यह आसपास के एरिया को कंप्रेस करने लगता है, दबाने लगता है, तो उंगलियों में झुनझुनी आ सकती है, सुन्नपन आ सकता है, दर्द हो सकता है। इस कड़ी में लास्ट सिस्ट है सेबेशियस सिस्ट, यह हमारे शरीर की सेबेशियस ग्लैंड के बंद होने पर
हो जाता है, इसका डिस्कशन मैंने मेरे एक्ने वाले वीडियो में किया है। एक्चुअली होता क्या है, सीबीशियस सिस्ट में सिबम कलेक्ट हो जाता है जिसके कारण वहां पे उभरी हुई स्ट्रक्चर हो जाती है और उसको हम सिस्ट कहते हैं। अब मैं यहाँ पर इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगी। उसमें नंबर वन पर मेडिसिन है रूटा। यह पेशेंट को हम तब देते हैं जब पेशेंट को गैंग्लियोनिक सिस्ट जो उसकी कलाई पर हो जाता है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट को साथ में दर्द भी मिल रहा है, सुनपन भी मिल रहा है, तो भी यह दवाई अच्छा काम करती है। नंबर दो पे इसमें आगे दवाई है कैल्केरिया फ्लोर 6x। यह हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसका सिस्ट थोड़ा हार्ड होता है और सराउंडिंग एरिया दबने के कारण वहां पेन बना रहता है, तब कैल्केरिया फ्लोर का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। अब नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलिका। फाइटोलिका मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसके ब्रेस्ट में लंप जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है और इसमें दर्द भी बना रहता है और महीने के आसपास ये दर्द बढ़ सकता है। अब इसमें आगे एक और मेडिसिन है स्टेफी। यह हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसको चैलेजियन सिस्ट हो जाता है। हाँ दोस्तों, यदि उसकी आंखों में सिस्ट हो गया है, आंखों की पलकों पर सिस्ट हो गया है, तो स्टेफी बहुत अच्छा काम करता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन है साइलिशिया। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब सिस्ट बहुत पुराना हो गया हो, उसमें पस का इंफेक्शन हो गया हो, उस पस में बदबूदार स्मेल आ रही हो, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। यह दो तरह से उस सिस्ट पे काम करती है। नंबर वन, उस पेशेंट के सिस्ट का साइज रिड्यूस करती है और नंबर टू, उसके पस को भी कम कर देती है, सुखा देती है। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है मर्क्यूरियस। यह हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसको मुंह का सिस्ट हो जाता है, मतलब मुंह के अंदर जो अल्सर होते हैं वो सिस्ट के फॉर्म में बदल जाते हैं, उन सिस्ट में पेशेंट को जलन होती है और उसको थूक भी बहुत बनता है, तब उस कंडीशन में मर्क्यूरियस बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। यहाँ पर इन मेडिसिन को अब मैं थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ करना चाहती हूँ। यदि पलकों का सिस्ट हुआ है तो यहाँ पर स्टेफी अच्छा काम करेगी। यदि मुंह का सिस्ट हुआ है तो मर्क्यूरियस अच्छा काम करेगी। यदि महिलाओं के ब्रेस्ट में लंप जैसी स्ट्रक्चर हो गई है तो फाइटोलिका अच्छा काम करेगी। यदि कोई पुराना सिस्ट है जिसके पस में से बहुत बदबूदार स्मेल आ रही है तो साइलिशिया अच्छा काम करेगी। और इसमें आगे है, यदि किसी भी तरह का सिस्ट है वो हार्ड है, आसपास के हिस्से को दबा रहा है, तो कैल्केरिया फ्लोर अच्छा काम करेगी। और यदि गैंग्लियोनिक सिस्ट है तो रूटा अच्छा काम करेगी। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके सिस्ट को हील करने में हेल्प करता हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।